टाइम मशीन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो आपको समय में पहले या समय के बाद पहुंचा देती है। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बीच टाइम कैप्सूल शब्द आप सुन रहे होंगे, मन में आता है कि ये क्या हो सकता है, कौन सा ये डिवाइस हो गया, क्या रामलला के टाइम ट्रैवल से रिलेटेड ये कोई बात है या फिर टाइम कैप्सूल का कुछ और मतलब है। आइए छोटी सी इस वीडियो में आपको टाइम कैप्सूल के बारे में बताता हूँ, जो कि इतिहास को बचाने का एक बहुत ही कारीगर तरीका है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और ऐसी ही नई जानकारी युक्त वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार, इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स की माने या सोशल मीडिया पे न्यूज़ की, टीवी खोल कर भी बैठ जाइए तो टाइम कैप्सूल बार बार सुनने को मिल रहा है। क्या है ये टाइम कैप्सूल? अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाला है राम मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन या शिलान्यास, और ये होगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों से। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी अयोध्या मंदिर के नींव के 200 मीटर नीचे दफनाएंगे टाइम कैप्सूल को। टाइम कैप्सूल एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होता है, जिसके अंदर सेफ रखा जाता है डॉक्यूमेंट्स को, जिसके अंदर समय के स्थितियों को कागज के पन्नों पर लिखकर दफनाया जाता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां, आने वाले समय के लोग इसको खोलकर आज के समय के बारे में जान सकें, आज के संस्कृत, आज के लोगों के बारे में जान सकें। फिलहाल जो टाइम कैप्सूल दफनाया जाएगा, लगभग वो इतना बड़ा होगा, 18 इंच साइज में। ये स्टेनलेस स्टील का बना होगा, तो फिर इसमें कोरोजन या फिर रस्ट नहीं लगने वाला है। जमीन के नीचे इसको रखा जाएगा कंक्रीट के चेम्बर में, और 5000 साल तक इसकी आयु होगी अनुमानित है। इसके ऊपर बकायदे लिखा भी रहेगा कि इस समय अविधि से पहले इसको न खोला जाए। इसके अंदर कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग रखी जा सकती है, जो कि बाद में विवादों को रोक सके। जैसे कि अयोध्या राम मंदिर बन रही है, इसमें कितना विवाद हुआ, लगभग 500 साल तक आंदोलन चला कि यहाँ बाबरी मस्जिद था कि फिर राम मंदिर था। तो अगर सोचिए 500 साल पहले किसी ने टाइम कैप्सूल दफनाया होता, तो हमें सारी बात, सारे दस्तावेज पता होते प्रूफ के साथ। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर टाइम कैप्सूल बनाया जाता है। ये पहली बार नहीं है जब इंडिया में टाइम कैप्सूल का प्रयोग हो रहा है। 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने भी लाल किले के कुएं के अंदर डाला था एक कैप्सूल, टाइम कैप्सूल, जिसके अंदर इम्पॉर्टेंट दस्तावेज रखे गए थे। लेकिन जब उनकी सरकार डिसॉल्व हुई, मोरारजी देसाई जनता पार्टी के साथ आए, न चाहते हुए भी दबाव के कारण उन्होंने उस कैप्सूल को बाहर निकाला, देखने के लिए कि आज़ादी के कहीं 25 साल तक का महामंडल इसके अंदर तो नहीं सुरक्षित रखा गया है। हालांकि उन्होंने इस बात का कोई भी जिक्र आम मीडिया में नहीं किया, वो चलिए राजनीति है। अभी मैं आपको टाइम कैप्सूल के बारे में बता रहा था, और मुझे उम्मीद है कि आप लगभग समझ गए होंगे क्या होता है टाइम कैप्सूल। इसका कोई भी रिलेशन नहीं है किसी भी प्रकार के टाइम ट्रैवलिंग से, टाइम मशीन जैसा ये कुछ नहीं है। हाँ, समय की अवधि के बाद के लिए कैप्सूल रखा गया है, ताकि इसको पढ़ा जा सके, जाना जा सके, इतिहास को समझा जा सके पक्के प्रमाण के साथ। यही है टाइम कैप्सूल का अर्थ और इसका फायदा। अभी के लिए इस वीडियो में इतनी जानकारी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसको शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से आपके साथ आपके मित्र और परिवार वाले भी इस जानकारी का लाभ उठा सकेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, और आप सभी मुझको देखते हैं, मुझको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, इस बात के लिए तहे दिल से शुक्रिया। दीजिए मुझको इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।